कोरोना के समय में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हमको एक बहुत तो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा और जिसमें हमने हर घर पाठशाला कार्यक्रम को प्रारंभ किया और जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों ने बहुत महत्वपूर्ण काम करते हुए कंटेंट भी अपने आप तैयार किए और लगभग 95% बच्चों तक हर घर पाठशाला के माध्यम से जुड़े। और अभी आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष एक विषय और भी रखना चाहता हूं। और ऐसे सारे में एक बीच में एक समस्या कहीं कहीं नजर आती थी कि भाई बच्चों को पढ़ने के लिए ऑनलाइन शिक्षा अच्छा है, हर घर पाठशाला अच्छा है, लेकिन क्या ऐसे भी तो समाज में लोग जो कई अभाव से ग्रस्त हैं, परिवार में 3-4 बच्चे हैं, मोबाइल फोन एक है और या मोबाइल नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो हमने समाज से निवेदन किया और पिछले वर्ष भी किया, अनेक लोगों ने आके नए पुराने फोन गरीब बच्चों को देने का काम किया और जिसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और इस वर्ष हमने कहा ये एक इकट्ठा कोई कार्यक्रम तय किया जाए और अपने आप में हिमाचल प्रदेश ने इसमें लीड लिए। शायद भारत का पहला कार्यक्रम हमने ऐसा किया है जो समग्र शिक्षा के हमारे SPD वीरेंद्र शर्मा जी ने तैयार किया है और जिसमें हमने कहा कि डिजिटल साथी बच्चों को सहारा फोन हमारा एक कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया और जिसमें हमने कहा कोई भी कोई कॉरपोरेट है, कोई और कोई व्यवसायी है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई किसान है, बागबान है, शिक्षक है, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, यदि वो बच्चों को जो ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मोबाइल खरीद नहीं सकते उसके लिए कुछ दान देना चाहते हैं तो मोबाइल डोनेट करें। तो लगभग 2000 मोबाइल हमारे पास एकत्रित हुए हैं और अभी इस योजना को हम आगे बढ़ा रहे कि नया पुराना क्या कर सकते हैं और फिर किन बच्चों को मोबाइल देंगे उसका सूचना और उसको जो चिन्हित करने का काम उस विद्यालय के टीचर करेंगे, क्योंकि टीचर को ये वास्तव में मालूम है कि मेरे विद्यालय में मेरी कक्षा में कौन गरीब बच्चा है जो आवश्यकता जिसको है। इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी को निवेदन करूंगा कि आज पूरे प्रदेश से YouTube और Zoom के माध्यम से अनेकों हमारे बहन भाई जुड़े, जो दे सकता है वो पुराना है नया है और उसमें हमने ऑप्शन दे के रखी है। आप कह सकते हैं पोर्टल पर हमने इसको फोन करके हमने बुक करा दिया, लेकिन भाई मुझे देना है मेरे गांव के स्कूल के बच्चों को, तो वो कहीं भी दे सकते हैं। तो ये सब कार्यक्रम हमने किया, तो इसमें मेरा सभी से निवेदन है। आज हम ये मानेंगे कि हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और बहुत सुंदर प्रोजेक्ट पर हम काम प्रारंभ कर रहे हैं और इसके साथ मेरा सभी शिक्षक बहनों भाइयों से जो निवेदन रहेगा, ये जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है, ये बच्चे हैं, इनको कैसे संभालना। कि आज हर व्यक्ति हर परिवार एक बात को विचार करता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे बड़े होके क्या करेंगे, और इसलिए ये बच्चे हमारा भविष्य है। हमारा भविष्य सुंदर और प्रसन्न रहने वाला कैसे हो सकता है, उस सब के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर ये सबका सब करते हुए तो मैं निश्चित रूप से ये कहता हूं कि जो योग प्राणायाम इत्यादि करेंगे हमारे बच्चे और अधिक ऊर्जावान, तेजस्वी, सकारात्मक होंगे और जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ देने वाले होंगे। और आज सिंगापुर से लेकर के बहुत लोग जुड़े, हम ये कह सकते हैं कि वेदों में जो हमको कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा एक परिवार है और इसलिए पूरी दुनिया में जो संदेश लेकर के हम चले हैं, तो निश्चित रूप से कभी ये संदेश अगर भगवान बुद्ध जैसे संत महात्मा लेकर के गए थे, श्री श्री रविशंकर जी पूरी दुनिया में ये संदेश लेकर के चले हैं। मैं इतना कहते हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत अच्छे से सब लोग काम करेंगे। और जो हमने कहा कि हमारा एक जो काम है डिजिटल साथी, फोन हमारा, बच्चों का सहारा, इस कार्यक्रम में मुझे लगता है हम सबको और अधिक पार्टिसिपेशन करनी है। आने वाले दिनों में स्कूल भी खुलने प्रारंभ होंगे और तीसरी लहर से भी हमको बचना है और हम कैसे मानवता को बचा सके, सब काम में लगे और सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। सिटी चैनल के लिए आनी से राकेश बिन्नी शर्मा की रिपोर्ट।